के मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सब का इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 अदद पॉडकास्ट जो कि रिकॉर्ड की गई हैं 4 जून 2023 को। आइए हम आपको उनकी हाइलाइट्स दिखाते हैं, उनके बिहाइंड द सीन दिखाते हैं। मुकम्मल पॉडकास्ट देखने के लिए जिन भाइयों के चैनल पे ये अपलोड हो जाएंगी उनके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, वहाँ पे जाके देखिएगा। तो आइए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एकेडमी में लाइफ स्टोरीज का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। एकेडमी में आए दोस्त मेरे साथ अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं, जो कि मेरे चैनल जहलम एकेडमी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे गाहे बगाहे अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी वो लाइव स्टोरी देखा करें और जब भी आप एकेडमी में आए तो मेरे साथ अपनी लाइव स्टोरी ज़रूर शेयर करें, जो देखने वालों का हौसला बंधाती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जैसा कि आप जानते हैं ये चैनल आपका अपना चैनल है, आपसे गुजारिश है हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती कमेंट से हमारी रहनुमाई भी करते रहा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, एक इंटरव्यू किसी भी मेहमान शख्सियत के लिए एक बेहतरीन मौका होता है कि वो अपनी ज़ात पर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात पर क्लेरिफिकेशन देते हुए, वजाहत देते हुए अपने आप को उन तमाम तर इल्ज़ामात से बरी उज़िमा कर ले। आज के इस प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो भी कई एक हवाला जात से कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, चाहे वो सियासी मामलात हों या फिर मजहबी मामलात। आज के इस प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामिक रिसर्चर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे मेहमान हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके पास आने से पहले मैंने मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा इकराम से मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि एक एक सवाल या एक एक राय जो है वो मुझे दे दें जिसे मैं सवाल की शक्ल देकर आपके पास आ सकूँ। तो पहला सवाल जो है वो तो एक ये किया गया, बिलुमूम सबकी तरफ से मुश्तरका सवाल था। आपने कहा कि चूंकि फिरका वारियत को ख़त्म करने के लिए मैं ना तो चंदे लेता हूँ ना कोई मसाजिद है,
और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो तमाम मस्जिद में जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं नमाज वगैरह, उन्होंने कहा कि आप किसी मस्जिद में जाकर जुमा नहीं पढ़ाते, इसकी क्या वजह? لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد. हमारे नबी की बीवी है, मोमिनीन की माँ, तो यानी उम्महातुल मोमिनीन ने कोई बुरा वक्त नहीं देखा जो बुरा वक्त देखा है अहलुल बैत ने। लेकिन आपने बताया कि नबी करीम ने फरमाया कि हाँ वो भी वो तो अंडरस्टूड है कि जी वो अहलुल बैत है, यानी आपका मौकिफ यही है चाहे आप उसको पहले रखें बाद में रखें कि अज़वाज मुतहर, और ये रिकॉर्डेड है 2012 से रिकॉर्ड, जरा तस्दीक। अच्छी बात, अच्छी बात। आपने का अगर काम हो रहा है कि काम लिया जा रहा है तो अल्लाह करे कि बतौर मजमुई एंड रिजल्ट इसका ये निकले कि इन तमाम काविशों को जिस वक्त यकजा किया जाए तो मुसलमान एक जसद वाहद की तरह ही उभर कर दुनिया के सामने आए, और अल्लाह करे कि मेरी ये दुआ जो है वो बारगाह इलाही में कबूल हो। मुझे इजाजत दीजिए। ये इसका तरीकाकार कोई तरीका मैंने आपको बता दिया ना, मैं कुदाल ले देता हूँ, शहर भी ले देता हूँ, गुड़ भी ले देता हूँ, आप करें अली, ये सब जितने लोग बातें करते हैं ये सब गुफ्तार के गाजी हैं। लोग कहते हैं ना जी पहले क्यों नहीं ऐसे हुआ, पहले इंजीनियर जैसा कोई आया, अगर पहले इंजीनियर जैसा कोई इस तरह का आया होता तो दुनिया में चेंज नजर आती। पहले जो इंजीनियर आते थे ना उनको हुक्मरान कत्ल करवा देते थे, सोशल मीडिया के जरिए उनकी आवाज भी पहुंचती थी। ये आज सोशल मीडिया ना होता ना ये आवाज किसी कमरे में दफन हो जानी थी। ये इस तरह के लोग जब आए हैं तो आपने तारीख में इन लोगों को कत्ल किया है, हुक्मरानों ने कत्ल कराया, उन्होंने ऐसे लोगों को खड़े नहीं होने दिया। आज भी अगर ये सोशल मीडिया की आवाज ना हो, ये मेरी आवाज यहां से बाहर नहीं निकलनी थी। लोग कहते हैं पहले लोग नहीं है, पहले आते थे आप बर्बाद देते थे। और अगर आप कहते हैं कि आप इस काम को मुझसे बेहतर कर सकते हैं तो देखें मैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं मवाद आपको कुरान और सुन्नत से मैं दूंगा, आपके नबी की तालीमात मेरी नहीं, आपके नबी की तालीमात जो मेरे और आपके कॉमन पीर है, और मैं उन तालीमात को आपको देता हूं, आप जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है ना उसके जरिए उस चीज को उम्मत तक पहुंचा के बताएं। आप जब ये काम करने निकलेंगे ना, जब लोग ये दावत का काम करते हैं, मुझे आगे पता है एक ही जुमला बोलते हैं, कहते हैं इंजीनियर साहब आपसे ज्यादा हौसला हमने किसी ने देखा, आपसे ज्यादा पोलाइट बंदा कोई नहीं देखा। लोग तो यकीन करें इनके साए से डरते हैं इन मौलवियों के। हमें मशवरा देते हैं ना कि जरा अच्छे अंदाज में करें, हम कहते हैं आप यही बात अच्छे अंदाज में किसी से मनवा के बताएं, आप करके बताएं। बिल्कुल। अच्छा अली भाई शॉर्टली बताइएगा कि आप सोशल मीडिया के जरिए जो है वो तबलीग कर रहे हैं, और ये सबसे आपने जो है ये एक ऐसा इनिशिएट है मैं समझता हूँ कि जिससे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अब जो जंग है वो आपस में आप सबकी शुरू हो चुकी है, जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट था आप पहले भी बड़ी जो है वो पब्लिक की रहनुमाई फरमाते थे, जो सारी मामला दुश्वारियाँ पेश करनी पड़ी। एक शेर के साथ आपकी बात कर रहा था, मैं एक शेर डेडिकेट करते हुए इंजीनियर मोहम्मद रमीज़ साहब को डायरेक्ट उनसे आपकी बात करवाते हैं कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया कि आपने तारीख की खिदमत हमें अता फरमाया। अली भाई काफ़ी सारे नौजवान हैं उनके आपके स्टूडेंट्स भी हैं, फॉलोअर भी हैं, या कोई ऐसे भी हैं जो फॉलोअर्स नहीं हैं लेकिन सुनते हैं आपको, वो यही जानना चाहते हैं कि उनके पास कोई बैकग्राउंड तारीख नहीं है कि अली मिर्ज़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस सेक्ट से ताल्लुक रखते थे, किस सेक्ट को चेंज किया, फिर कहाँ पर गए, ये तब्दीली सारी तू समझ एक तरह की जिंदगी नहीं है एडमिशन कैसे, थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बैकग्राउंड के बारे में बता दें, कौन से घर में पैदा हुए वगैरह वगैरह। لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى محمد। مولانا الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی ہے اس کے ساتھ جی تعلق بن گیا, اس کی وجہ سے دین کا شغف اپنے آپ سمجھ لیں میٹرک کی عمر میں آ چکا تھا اس حوالے سے کہ دین پہ چل رہا ہے, پھر نماز کی بھی ترغیب گھر سے ملی, والد صاحب بھی پانچ وقت نماز پڑھنے والے جی, اور لیکن असल में जो आज मुझे आप देख रहे हैं ये तो आज की बात है ना, एक दिन में तो नहीं हुआ। 1994 में जब मैं FSC में स्टूडेंट था, जो कुछ मुझे पता था ये मेरी इब्तिदा थी, टीनेज चल रही है जी टीनेज, उसके बाद इंजीनियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, वहां पे भी मैंने अपनी तालीम का भी कम्प्रोमाइज नहीं होने दी, तालीम में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर्स में रहा हूँ, पैरेलल में वहां पे भी दावत इस्लामी का माहौल मिला, और टेक्सला इंडियन यूनिवर्सिटी से मैंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, तो टेक्सला के साथ एक समझ लें एक उसके साथ जुड़वा शहर है वहाँ का, वो दावत इस्लामी का घाट था, तो वहाँ पे भी आना जाना रहता था। 1996 में मैंने
मुफ्ती अकमल साहब जो क्यू टीवी पे आते हैं, काफी किया अधिकारी साहब उस वक्त, वो अभी दरसे नजामी भी उन्होंने शुरू नहीं किया था, वो सिर्फ मुबल्लिग थे, उसके बाद दरसे नजामी उन्होंने बाद में किया, लेकिन अच्छे मुबल्लिग थे, दीन का शौक था, तो उनकी सोबत भी इतकाफ में मुयसर आई। फिर करते करते जब यूनिवर्सिटी से फारिग हुए और प्रैक्टिकल लाइफ में आए, फिर पहला शौक लगा कि दावत इस्लामी में एक इख्तलाफ उभरा। ठीक है, जब मुझे मेरी बीवी को बेटा पैदा होता है, बच्चा डिलीवरी होता है, जब करानी है, मैं मुझे चाह कि वहाँ पे ये नहीं कहना चाहिए कि मैं मेरी लड़का को काम करूँ, या फिर इस वार्ड में नर्स को होना चाहिए, जब मैं घर में इजाज़त ही नहीं दे रहा ना, नर्स को तो कोई मजबूरी नहीं है, वो जॉब करना ही नहीं, इस मामले में देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। आपने एक कैटास्ट्रोफिक कंडीशन बताई है जिसका ताल्लुक जो है मेडिकल की फील्ड से, किसी भी फील्ड में, मैं कहता हूँ पुलिस आ रही है ना, फीमेल पुलिस, उसने भी गिरफ्तार करना है ना, फीमेल नाम से फीमेल है मैंने हराम की तो बात ही नहीं की है, मैंने बात की है जरूरत की, कि फैमिली को कंप्रोमाइज करते हुए किसी औरत को जॉब नहीं करनी चाहिए। अगर कोई औरत पैरेलल में अपने मामला चला सकती है, मैं कहता हूँ टीचर्स औरतें होनी चाहिए, लेडी डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट औरतें होनी चाहिए, पुलिस के डिपार्टमेंट में भी जहां पे जरूरत है। एक तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि बाकी तीन बेटियां तो फौत हो चुकी थी। अच्छा, एक और जवाब जो हमारे उस्ताद मौला इसहाक साहब ने दिया, वो बड़ा प्यारा जवाब था, वो कहते हैं इसको तो छोड़ दें। मौला इसहाक साहब बाद का तो इतना बड़ा छक्का मारते थे कि वो प्लेनेट अर्थ क्या वो आपकी मिल्की वे से भी बाहर जाता था। उन्होंने कहा कि मैं शिया से पूछता हूं कि मुबाहला के मौका पर हसन हुसैन फातिमा गए तो हजरत अली की जो बेटी थी जैनब, क्या वो अलुल बैत में से नहीं है? तो जैनब को तो हुजूर नहीं लेके गए, जैनब थी उस वक्त जब मुबाला हुआ है। मुबाला कब हुआ है? हुजूर की फात से एक डेढ़ साल पहले। सैयदा जैनब थी हजरत अली की बेटी, लेकिन मुबाले के मौका पर हुजूर जैनब को नहीं लेके गए। किस शिया की जुर्रत है वो जैनब को अहले बैत से बाहर निकाले, जिसने यजीद के दरबार में खुतबा दिया है और अपने भाई हुसैन का दिफा किया है। अगर जैनब उस वक्त हुजूर के साथ नहीं गई और अहले बैत से खारिज नहीं हुई तो बाकी तीन बेटियां कैसे खारिज होगी? किड़ा बड़ा फक्का दीदा है मौला साहब ने। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज वाज डन।